अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम एक नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर है। आज मैं बहुत ही एक अच्छा रिव्यू करूंगा जो हम डेली में रूटीन में बच्चों के लिए भी कुछ भी सुबह नाश्ते में हम खाते हैं। एक जैम है, उसके दो फ्लेवर्स हैं मेरे पास, नेशनल के हैं। मैंने पहले भी रिव्यू किया था मिक्स फ्रूट जैम का, नेशनल का, तो वो आपने बहुत पसंद किया था, तो मैंने कहा बाकी इसके भी जो फ्लेवर हैं उसे भी मैं आपके लिए ना रिव्यू करूँ थोड़ा, और इसके प्राइस भी बता दूँगा मैं आपको और कहाँ अवेलेबल है उन्हें बता दूँगा। ये प्रोडक्ट्स मेरे पास नेशनल मैंगो जैम, काफ़ी दिनों से मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा था, तो क्योंकि हमने डेली ये इस्तेमाल करना होता है। मैंने तो काफ़ी ब्रांड यूज़ किए हैं, सलमान का भी, मिचल्स का भी, तो हर ब्रांड की अपनी क्वालिटी और उसका स्टैंडर्ड है। तो नेशनल मुझे भी इतना ख़ास कंपनी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा रिलायबल है, पाकिस्तान कंपनी, तो उसकी रेडी इंजॉन है क्वालिटी, हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली, हमें चीप पड़ेगा, इकोनॉमी है। और दूसरा मेरे पास पाइनएप्पल क्या। अच्छा जी, अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने इस्तेमाल किए बीच में। आपको तो ये नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जनाब इसमें ज़्यादातर इन्होंने केमिकल्स ही इस्तेमाल किए हुए हैं एज वेल एज फ्रूट्स के साथ। ठीक है, कंपनी को बदनाम करने का मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ काफ़ी प्रोडक्ट यूज किए, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए हुए हैं, क्योंकि चीनी है इसमें। मैंगो फ्लेवर का तो बता देता हूँ, मैंगो फ्लेवर में इन्होंने क्या क्या शामिल किया है। शुगर है, मैंगो वाटर है, पैक्टिन है, एज चैनिक एजेंट है, सिट्रिक एसिड है, आर्टिफिशियल मैंगो फ्लेवर है, पोटाशियम है, सॉर्बेट है एंड पोटाशियम मेटाथल्फेट है। ये ई सीरीज है जो इन्होंने प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसके खिलाफ लोगों ने बातें की हैं कि जी ये हराम प्रोडक्ट्स होती हैं। बस ये कोर्स सीरीज होती है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर रिसर्च भी करें तो हमें इन सीरीज में यही पता लगता है कि ये केमिकल की कोडिंग है। एनीवे, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेवर इसका मैंने मैंगो का टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगा क्योंकि इन्होंने लिखा भी हुआ बैक पर कि मैंगो का आर्टिफिशियल फ्लेवर भी इतना शामिल है, एज वेल एज मैंगो पल्प भी इन्होंने इस्तेमाल की है। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए उन्होंने मैंगो जो है एसेंस भी डाला है। एनीवे, दूसरा प्रोडक्ट है पाइनएप्पल, सेम एज इसी इसकी भी कंपोजिशन इन्होंने यही लिखी हुई, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने है, शुगर है, पाइनएप्पल है, वाटर है, पैक्टिन है, जेलिंग एजेंट और सिट्रिक एसिड है। तो फैसला आपने करना है, आप ऐसे बाई करें, खरीदें। इसकी प्राइस है पाइनएप्पल की जो प्राइस है 150 to 180 मार्केट में, 450 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली नेट वेट इसका, लेकिन पर मैंने जो होगा 440 के करीब, तो राउंड अबाउट 450 ग्राम की नेट वेट इसका। शीशे का जो शीशे की बॉटल है ना एक्चुअली, तो जो शीशे की बॉटल्स होते हैं आपको पता है उसका अपना एक वजन होता है, तो हार्डली इसका 300 ग्राम होगा गेम। और इन्होंने फेक मार्क में लिखा भी हुआ है नेशनल के जो ब्रांड है उसके ऊपर, मेड विद द फाइनेस्ट फ्लोर, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है हर ग्रोसरी शॉप पे, छोटी छोटी शॉप्स जो जनरल स्टोर है उन्होंने भी रखा होता है नेशनल के प्रोडक्ट्स। तो मैं तो कोई इतना खास इंस्टाइल नहीं हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सलमान से भी, मैंने मिचल्स से भी यूज़ किया,
नेशनल के बीच ये थोड़े सा सस्ता है एज वेल एज मिचल जो सलमान कंपनी जो है आपको जितने भी जिससे जय बनाने वाली छोटी कंपनी मनासी में प्रोडक्ट्स भी अच्छी है तो आप इसे इस्तेमाल करें। आज के लिए तो बस इतने ही काफ़ी है, ये है आज का रूल। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज लेकर आऊँगा खाने वाली चीज़ों की, वीडियो गेम्स की और ग्राफिक्स के मुताबिक भी लाऊँगा क्योंकि मुझे आर्ट से भी बहुत लगाव है। ड्राइंग और पेंटिंग में मुझे बहुत शौक है बनाने का, वीडियो गेम्स का मुझे बहुत शौक है, वी लविंग का भी शौक है। तो मौका पर मौका आपको वीडियो बना के डिटेल बताते जाऊँगा। ओके, गला प्लीज़, टेक केयर।